केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एवं श्याम बिहारी जायसवाल के नामांकन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नामांकन पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब। नामांकन पदयात्रा में शामिल हुए भैया लाल रजवाड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद से द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की खरीदी और दाखिले का सिलसिला जारी है। वहीं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के भरतपुर सोनहत विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में श्याम बिहारी जायसवाल के पक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी उपस्थित हुए तथा सर्वप्रथम माननीय केंद्रीय मंत्री का दोनों विधायक और कार्यकर्ताओं के द्वारा महामाला से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महती आम सभा को संबोधित कर कहा, देश का विकास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। देश की खुशहाली के लिए देश में जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की योजना नल जल का प्रदेश में बुरा हाल है। साथ ही आज रेलवे का विकास हो या अन्य कार्य, जैसे भोले भाले आदिवासी भाइयों को की जात में केवल मात्रा की त्रुटि होने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा था। हमारे मंत्रालय में रेणुका सिंह जी के प्रयास और केंद्र सरकार की सलाह से जाति में आ रहे रुकावट को दूर किया। देश में आज चाय बेचने वाला साधारण व्यक्ति सा व्यक्ति पूरे देश की बागडोर संभाला है, जिनके नेतृत्व में आज भारत अपना स्थान बना लिया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। आज की आम सभा आज भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी, पूर्व मंत्री भैया लाल रजवाड़े, बैकुंठपुर के जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, झारखंड कोदराम के पूर्व विधायक नीरा देवी आदि लोग मौजूद रहे।